ये देखिए, ऐसा नहीं कि इसे हम ही कर रहे हैं, ये पूरा वो हो चुका है। ये देखिए, ये हाथ अंदर जा रहा है। ये कोई तोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है इसको, लेकिन मूल हालातों को आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए देखिए पूरा छत, ये हालात हैं, देखिए तो सही। केवल शोर मचाना मकसद नहीं हमारा, हम ये चाहते हैं कि हालात बदलने चाहिए। ये हालात हैं, एक न जाने कितने सालों से यहाँ पेंट नहीं हुआ, क्या यहाँ के हालात हैं यार। दुख होता है देख के कि इतने सालों से हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, इतने सालों से हम यहाँ स्वयं को छात्र राजनीति में एक्टिव कहते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को सुधार नहीं पाए। और केवल ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह नहीं है, पूरी छात्र संघों के लिए प्रश्न चिन्ह है कि क्या किया अगर छात्र संघों ने यहाँ पर। ऊपर से मैं आपको ये हालात दिखाता हूँ जो मैं नीचे से दिखा रहा था। देखिए आपको यहाँ पर ये पौधे लगाए गए, लेकिन पौधे हैं कहाँ, देखिए ये टीनों के हालत हैं, ये देखिए वो देखिए पेंट के हालात हैं। ये दूसरा है, यहाँ पर भी ऊपर देखिए आप, न जाने कब टूट के गिर पड़ेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये राम भरोसे यहाँ की सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम इसमें पूरा सुधार करेंगे, ये वादा है हमारा आप लोगों से। ये मूल हालात हैं, इनको दिखाने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। और ऐसा केवल हम जूलॉजी में ही नहीं, हम हर विभाग जाएंगे और हर विभाग को बेहतरीन बनाएंगे। रिसर्च लैब है ये तो शायद बंद है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ये देखिए ना, कूड़ा कबाड़, ना जाने क्या क्या। इन हालातों में सुधार होना चाहिए और बहुत जल्दी। हम जितना हमें कुलपति जी की नीतियों को देखकर लगता है, हमें लगता है कि एक साइंटिस्ट होने के नाते, एक इसी विभाग के विद्यार्थी होने के नाते, इसी विभाग के शिक्षक होने के नाते वो इसमें काम करेंगे, ऐसी हमें उनसे पूरी पूरी आशा है। फल जी क्या कहना चाहोगे यहाँ के इन ऐसे हालातों को देखते हुए? मतलब ये है कि बच्चे दूर दूर से काफ़ी पढ़ाई के लिए, सारी चीज़ों के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन इन हालातों को देख के लगता है कि मतलब काफ़ी दिल से बुरा लगता है कि उनके लिए इतना समय बर्बाद करके, इतना पैसा बर्बाद करके वो अपने लिए अच्छे पढ़ाई के लिए सारी चीज़ें आती है। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी है, जैसे म्यूजियम में हम गए, बहुत सारी चीज़ें जबरदस्त, बिल्कुल सॉलिड। मतलब एक किस वजह से, मतलब वहाँ एक पानी का सीलन आ रहा है या पानी हो रहा है या उनकी देख रेख सही नहीं है, उस वजह से सारी चीज़ें खराब हो जा रही है। तो ये चीज़ काफ़ी देख के बहुत दुख होता है। मतलब ये चीज़ सही होनी चाहिए, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आने वाले 10-15 साल 20 साल, जैसे सर कह रहे थे कि ये चीज़ें हम करेंगे तो 100 साल तक चलेंगी, तो आने वाले 100 साल तक के बच्चों के लिए वो काम आएंगी। बस ये चीज़ों में जल्द से जल्द सही चीज़ें होनी चाहिए। और मैं कुलपति महोदय से भी विनम्र निवेदन करता हूँ, इन पर जरूर ध्यान दिए। धन्यवाद। तो साथियों ये है, और एक बार फिर से मुझे इसको देख के तो काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि इसमें हाथ लगाते ही गिर गया, बहुत अभी भी लगाएंगे। और बहुत सारे लोग अभी मुझे कुछ एक संगठन लोग दिखेंगे भी, यही कहेंगे कि तुम तोड़ रहे हो। बहुत अच्छी बात, लेकिन ये काफ़ी दुखदायक है साथियों, ना जाने कब किसके सिर पर आगे गिर पड़ेगा। खैर बहुत जल्दी इस पर काम करेंगे, केवल बवाल खड़ा करना मकसद नहीं हमारा, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। धन्यवाद साथियों। टाइगर।